देखिए नौ दुर्गा और सौभाग्य की बात नौ ही नवरात्र नौ देवियों का पूजन हो रहा है बेटा तो आइए नौ की बात कर रही हूँ कितना रूप नौ हरे हरे नव मूर्ति नौ नव मूर्ति नौ नव रूप नौ नव नवनीति नौ सतिया नवनीति नौ सतिया नौ निधियों की बरसात बात है क्या बात नवनीति नौ सतिया नौ निधियों की सुहावन प्रथम से पुरी पावन और तन मन हर्षावन जो मनुहारिणी है प्रथम शैल पुत्री दादाजी बिल्कुल ब्रह्म रूप भावन ये माता ब्रह्म रूप भावन माता हर दुख न सावन सौरभ वो सर सावन ब्रह्मचारिणे दादाजी नव रूप नौ मूर्तियां नौ नीतियां और नौ शक्तियां तो नौ निधियों की बरसात हुई आइए अगली बात सुनिए कि नव रत्न नौ युक्तियां हरे हरे
नौ रंग नौ युक्तियां चंद्र घंटा तीजी मात हुई। प्रथम शैल पुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी और तृतीय मां चंद्र घंटा। जय हो माता कि नव नीति नौ शक्तियां हाय रे हाय रे नव नीति नौ ताप जाता जिनके उदर में समाता चौथ कुसुमांडा माता सुखदायिनी हाय सुखदायिनी हो सुखदायिनी चौथ माँ कुसुमांडा और भाग्य की विधाता पंचम स्कंद माता छठा रूप मंडु भाता माँ कात्यायनी हो माँ कात्यायनी हो माँ कात्यायनी। अरे हमारे बड़े भैया सम्मानी भैया सतीश शर्मा जी और हमारे मिश्रा जी आपकी तरफ से ये ढेर सारा 251 पद मुद्राओं का स्नेह आशीर्वाद की कामना है नमन है। औले औले और ये एक से एक मुद्रा बगल में ठेका है शराब ठेका इधर से ये एक से एक मुद्राओं का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। फिर ये 51 पद मुद्राएं शराब ठेका से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिलीप डीजे एंड साउंड सर्विस पीएम रोड संजय गांधी नगर बालू अड्डा लखनऊ आपकी तरफ से ये एक शेख मुद्राओं का स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। आलनी नंदा जी सुनिए कि नव ज्योति नौ भक्तियां हाय रे हाय नाना जी नव ज्योति नौ भक्तियां नव ज्योति नौ भक्तियां नौ अंकों की करम थी नौमी पावन कही जाती है और नौ अंकों का कहना ही क्या है दादाजी। नौ कन्याएं भी खिलाई जाती है दसवां लंगूर। आइए बिल्कुल कि नव ज्योति नौ भक्तियां हाय रे हाय नव रूप नौ भक्तियां नव ज्योति नौ रवि वर्मा जी रवि कमल वर्मा जी आपकी तरफ से ये 200 पद मुद्राओं का स्नेह है और बड़ा विशाल आयोजन बिलवल में आपके यहाँ भी है। सुंदर कार्यक्रम 7 तारीख को जिसमें कलाकार है टिल्लू बेकल जी और ये छोटी सी पार्टी निशा भारती एंड पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को रवि भैया को आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि काली का कराली और सम्मानी भैया कृपाराम यादव जी जो बाराबंकी से बता रहे हैं आपके द्वारा 21 मुद्राएं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मंदिर के पुजारी हमारे दादाजी के द्वारा ये आशीर्वाद है। अब इनको आप मुद्राएं नहीं कर सकते हैं क्योंकि आशीर्वाद मां के चरणों से आया है नमन है। पुजारी जी को आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेंद्र भैया थोड़ा सा बोल दो। हेलो, ढोलक बिल्कुल बंद है, हमारे कान तक आवाज नहीं आ रही है। ढोलक का माइक थोड़ा सा आप कुछ समझो अपने आप, आवाज बढ़ाओ, हम लोग की आवाज खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो बढ़ा दो। काल का कराली माँ भुजाली, भुजाली काल रात्रि माँ काली भैरसावनी। और इतना ही नहीं, तप में तपाली माँ ने, तप में तपाली चमड़ी निकाली महागौरी माँ आली अति सुहावनी। हो अति सुहावने, हो अति सुहावने। तो दादाजी कितना रंग ना विभूतिया है रे है, नव रंग ना विभूति नव ज्योति नौ भक्तिया नौ अंकों की गरमा हुई, नव रंग नौ विभूतिया सुध जाती विख्यात हुई। ये रहा अपनी ओर से गीत, और आ रहे हैं हमारे साहू भैया जिनका स्नेह हर कलाकार के साथ जुड़ा है, और ये ढेर सारा प्यार है, पुष्पहार और प्यार मुद्राओं के साथ प्रदान है, नमन है हमारे बड़े भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और आ रहे हैं फिर आपके सामने हमारे आदरणीय शंभानी दादाजी, हम चाहेंगे एक बार कम से कम जोर जोर से आप लोग तालियों से स्वागत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खाई कौन बांटेगा, प्यार हम सबको कौन बांटेगा, माँ अगर कल को तू नहीं होगी तो मुझको गलती पे कौन डांटेगा। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया सवालिया गीत आया, कौन सा कौन गीत आया, कौन सा हो इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, वो बाद में जाने क्या हुआ है, बाद में जाने क्या हुआ ना
ना जाने क्या बात। बहुत बढ़िया गीत आया। नौ रूप नौ मूर्तियां कोशिश कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। आपने नौ सब बताया है, बात थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा हूं। दस शिशु वाले दशा में ऐसे ढोलक बजती है। दस शीत वाले दशानन हो, दस शीत वाले दशानन है, दस शीत वाले दशानन को जब है अहंकार हुआ। क्या बात है, सुनिए जवाब। दस शीश वाले दशानन को जब है अहंकार हुआ, तो दस शीश वाले का है, दस शीश वाले का है, दस शीश वाले का तो दसवीं को है संकार हुआ। जब है अहंकार हुआ, दस शीश वाले दशानन हो, दस शीश वाले दशानन है, दस शीश वाले दशानन को जब है अहंकार हुआ, दस शीश वाले दशरथ पाकर के रावण अहंकारी बन गया। क्यों? कि सबके एक सर होते हैं, उसके दस सर। दस सर कैसे हुए? कैसे? कोई नकल नहीं करेगा। दस सर चढ़ा के सबके चरणों में आके शिव से दस शीश पाके इठला गया। क्या बात, दशरथ अपने सर काट काट करके भगवान शिव के चरण में चढ़ाया। तो दस सर चढ़ा के शिव के चरणों में आके शिव से दस शीश पाके इठला गया। दस सर इठला के दसा, दस सर इठला के दसों दिशाओं में जाके जुल्म पे जुल्म ढाके बौखला गया।
खला गया, वो खला गया। दस इंद्रियों वाले का हाय, दस इंद्रियों वाले का हाय, दस इंद्रियों वाले का जब जज में अत्याचार हुआ। ये बात दस इंद्री वाले का, दस ही इंद्री वाले भगवान श्री राम ने दस शीश वाले दशा जब है। हाँ दस शीश वाले का, अरे दशमी को है श्रृंगार हुआ। दस शीश वाले का है दशमी को श्रृंगार हुआ। दस शीश वाले का है दशमी को श्रृंगार हुआ। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भैया श्री बजरंगी गुड्डू यंग मैन सोशल वर्क फाउंडेशन यूपी बालू अड्डा लखनऊ आपकी ओर से आए हैं। जवाब पर बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक टुकड़ा और देखें आप, ईशा जी एक जगह और दस की बात मान रही है। हाँ इसको भी नोट करिए। एक राक्षस हुआ है वो गणेश जी की, एक राक्षस हाँ उसको गणेश जी ने उत्पन्न किया। कामदेव भस्म हुए थे तो उनकी लाश से गणेश जी ने पुतला तैयार कर दिया। समझते रहिए आप लोग। और पुतला जब जीवित हो गया तो उसने इतनी बड़ी शक्ति पाली कि बड़े बड़े देवता भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। तब माता ललितांबा ने 10 रूप उसके अपने रखे और 10 रूपों में ही, क्योंकि वो 10 बार अपने रूप बदलता गया, मैया ने 10 रूप अपने रख करके और 10 उंगलियों से एक एक रूप बना करके उसका संहार किया। एक टुकड़ा ये मिला, देखिए आप। दसों दिशाओं ने 10 विद्याओं 10 शक्तियों से मैया हंकार दी। माता ललितांबा नोट करिए। दसों दिशाओं में 10 विद्याओं और 10 शक्तियों से मैया हंकार दी। और तब अरे 10 उंगलियों के तक नख से 10 अवतार देखो मैया जी अपने वहां तार दी। कभी वो रावण बन जाता तो माता ललितांबा अपने एक उंगली से राम को प्रकट कर देती। क्या बात। और राम बन के उसका संहार करती। ये कभी वो कंस बन जाता तो दूसरी उंगली से मैया कन्हैया को प्रकट करती और कन्हैया उसका संहार करती। वाह। 10 रूप उसने धरे तो मैया ने भी 10 उंगलियों से एक एक रूप धारण करके उसका श्रृंगार किया। तो अंतिम टुकड़ा देखे आप, 10 विद्याओं और 10 शक्तियों से मैया हंकार दी। और 10 उंगलियों के 10 नख से तब देखो मैया जी वहां 10 रूप धारती। हो दस महाखल को हनके, हो दस
अरे दस रूपों से मैया हाय दस रूपों से मैया के द्वारा है संघार हुआ। बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो मारा गया और तब जय हो ये आया पुरस्कार। तो दस शीश वाले दशानन को जब है अहंकार हुआ वो दस शीश वाले का हाय दस शीश वाले का है दस शीश वाले का अरे दशमी को है संघार हुआ आपके गीत का एक 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 यथाशक्ति प्रयास। जय हो ये है